हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, थंबनेल से आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टॉप 10 बेस्ट रियलिस्टिक ग्राफिक्स वाली मोटरसाइकिल वाले गेम। अब इस वीडियो में मैंने उन सारी गेम्स को लिया है जिनके ग्राफिक्स अच्छी क्वालिटी के हैं। कुछ पुराने गेम्स हैं और कुछ नए गेम्स हैं, लेकिन सारे ही काफी ज्यादा कमाल के गेम्स हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले याद करा दूं कि मैंने दोनों दूसरे चैनल यानी कि गेमरिज्म और बिल गेम को जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर लो। लिंक पर बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब सीट बेल्ट कस लो क्योंकि शुरू करने वाले हम आज का वीडियो। तो गाइस, अपनी लिस्ट में नंबर फर्स्ट पर निकल के आता है मोटो सिटी। अब ये वाला जो गेम है ना, ये हाल फिलहाल में रिलीज हुआ है और इस गेम को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। यानी कि इस गेम में आप लोगों को एनिमेटेड स्टाइल के ग्राफिक्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के लगते हैं। और इस गेम में आप लोगों को बेसिकली करना ये होता है कि एक जगह से आप लोगों को डिलीवरी लेनी है और उस चीज़ को दूसरी जगह जाकर डिलीवर करके आना है। गेम अच्छी क्वालिटी के, आप लोगों को स्टंट वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों के साथ भी आप लोग ये गेम खेल सकते हो। गेम ऑनलाइन रहने वाला है और गेम का साइज भी छोटा सा है, यानी कि 150 MB का गेम रहेगा और मजे का गेम है। तो गाइस, अब बात की जाए इसके नंबर सेकंड गेम की, तो हमारे पास है रिप्टाइड जीपी। अब रिप्टाइड जीपी एक गेम आता है पीसी कंसोल के लिए भी, और ये आप लोग कह सकते हो उसी का एक क्लोन वर्जन बनाया गया है जो कि आप लोग अपने मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर खेल सकते हो। गेम के अंदर आप लोगों को बाइक्स नहीं बल्कि जेट स्कील देखने को मिलेंगी और काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं वो। यानी कि ऐसे बाइक वाली सिमुलेशन ही प्रोवाइड कराती है और आप लोग पानी के ऊपर चलते ही चलाते चले जा रहे हो। गेम आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। गेम का साइज ऑलमोस्ट रहने वाला है कुछ 1 GB। प्ले स्टोर पर इसका साइज 98 MB दिखाता है, लेकिन एडिशनल डाटा डाउनलोड करने के बाद 1 GB के पास पास चला जाता है साइज। तो गाइस, अब बात करें ना इसके नंबर थर्ड गेम की, तो हमारे पास है आउटलॉ राइडर्स। अब दोस्तों, ये रहने वाला है एक ओपन वर्ल्ड मोटरसाइकिल वाला गेम जहाँ पे आप लोगों को ओपन वर्ल्ड में अपनी बाइक चलानी है, आप लोगों को डिफरेंट टास्क भी करने पड़ सकते हैं, आप लोग रेसिस वेसिस भी कर सकते हो। और गेम की एक कमाल की चीज़ ये है कि आप लोग ये गेम भी मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, यानी कि आप लोग ऑनलाइन होकर अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। गेम के ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, गेम प्ले तो आप लोग देख ही रहे हो, और गेम ऑफलाइन भी आप लोग खेल सकते हो सिंगल प्लेयर में। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला है पूरा का पूरा 900 MB और मजे का गेम है। तो गाइस, जब बात करें ना इसके नंबर फोर्थ गेम की, तो हमारे पास है अल्टीमेट मोटरसाइकिल सिमुलेटर। अब ये वाला गेम आप लोग कह सकते हो एक और ओपन वर्ल्ड सिमुलेटर वाला गेम हमारे पास निकल के आता है जहाँ पे आप लोग अपनी बाइक को चला सकते हो। गेम में आप लोगों को डिफरेंट टाइप की बाइक्स देखने को मिल जाएंगी, कुछ 50 से भी ज़्यादा बाइक्स हैं जो कि आप लोग अनलॉक कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप लोगों के पास एक ही बाइक अनलॉक होगी, लेकिन आप लोग फिर कॉइन्स कमाओगे और आहिस्ता आहिस्ता सारी बाइक्स को अनलॉक कर पाओगे। गेम का साइज यहाँ पे है 131 MB। गेम टोटली ऑफलाइन है। गाइस, बात की जाए इसके नंबर फिफ्थ गेम की, तो हमारे पास है SBK16। अब दोस्तों, ये निकल के आते हैं SBK फ्रेंचाइज जो कि PC और कंसोल के लिए मोटरसाइकिल वाले गेम्स बनाते हैं, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल वाला गेम। यानी कि ये आप लोगों को ऑफिशियल क्रिएटर्स की तरफ से ही देखने को मिल रहा है, तो ग्राफिक्स तो हाई क्वालिटी के रहने ही वाले हैं। गेम के अंदर आप लोगों को ऑफिशियल जो GP रेसिंग होती है ना, मोटो GP वगैरह, उस टाइप का आप लोगों का सारा गेम प्ले देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोग रेसिंग कर रहे हो इस गेम में। सैडली ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, बल्कि आप लोगों को सिर्फ रेसिंग ही करते चले जाने हैं और आप लोगों को डिफरेंट बाइक्स देखने को मिल जाएंगी। आप लोग अपग्रेड्स भी कर सकते हो, अपना कैरियर मोड में भी आगे जा सकते हो और ऐसा ऐसा पैसे कमा के नई नई बाइक्स भी ले सकते हो। गेम में आप लोगों को 13 से भी ज़्यादा ट्रैक देखने को मिल जाते हैं, 15 डिफरेंट बाइक्स हैं जो कि आप लोग चूज़ कर सकते हो अपनी मर्जी से। गेम का साइज यहाँ पर रहने वाला है 300 MB। गेम आप लोग ऑनलाइन भी खेल सकते हो और डेफिनेटली ऑफलाइन भी खेल ही सकते हो। तो गाइस, अब बात की जाए इसके नंबर सिक्स गेम की, तो हमारे पास है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। अब ये निकल के आता है एक और बाइक सिमुलेशन वाला गेम, लेकिन आप लोग कह सकते हो कि ये एक GTA स्टाइल के ऊपर बेस्ड किया हुआ गेम है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे फ्रैंकलिन देखने को मिलेगा जो कि GTA 5 का करेक्टर है, और उसी के साथ आप लोग थ्रू आउट सारे ही गेम खेलने वाले हो। गेम में आप लोगों को एक मोबाइल फोन दिया जाता है जैसा कि GTA 5 में आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन इस मोबाइल के अंदर आप लोग कोड डालोगे तभी ढेर सारी गाड़ियाँ और मोटर बाइक स्पॉन हो जाएंगी जहाँ पे आप खड़े होगे, और फिर आप लोग ओपन वर्ल्ड में यहाँ वहाँ घूम पाओगे। गेम में कोई मिशन वगैरह नहीं है, बस आप लोग ओपन वर्ल्ड में फ्री रोम कर सकते हो। गेम का साइज यहाँ पे 74 MB और गेम टोटली ऑफलाइन है। तो अगर बात की जाए इसके नंबर सेवन गेम की, तो हमारे पास है नन अदर देन रोड रिडेम्पशन मोबाइल। अब रोड रिडेम्पशन एक ऐसा गेम है जो कि मैंने अपने बचपन में खेला हुआ है, और आप लोगों ने खेला हो या ना खेला हो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पहले ये PC के ऊपर आता था गेम, और भाई तबाही मचा के रखी हुई थी इस गेम ने। यानी कि इस गेम के अंदर आप लोगों को गेम प्ले कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि आप लोग एक बाइक राइडर हो और आप लोगों ने किसी भी तरीके से अपने जो एनिमीज है ना उनको एलिमिनेट करना है। यानी कि आप लोग उनको डिफरेंट चीज़ों से मार रहे हो, आप लोगों के पास बेसबॉल बैट है या आप लोगों के पास कोई स्क्रू ड्राइवर है, तो आप लोग उनको मार रहे हो और उनकी बाइक से गिरा रहे हो ताकि आप लोग फिनिशिंग पॉइंट तक जल्दी से जल्दी पहुंच सको। तो गेम कुछ इसी स्टाइल का रहने वाला है मोबाइल के ऊपर भी, और आप लोग को मज़ा भी आएगा। आप लोग मल्टीप्लेयर में खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ मिलके या कुछ भी रैंडम प्लेयर्स के साथ मिलके। बाकी गेम का साइज यहाँ पे 1.2 GB और गेम टोटली ऑनलाइन है।
तो गाइस बात की जाए इसके नंबर 8 गेम की, तो हमारे पास है एसफॉल्ट 8 एयरबॉर्न। अब हाँ, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एक कार रेसिंग वाला गेम है, इसमें बाइक्स कहाँ से आ गई। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं आपको कि एसफॉल्ट 8 एयरबॉर्न के अंदर आप लोगों को कुछ मिशंस करने के बाद मिल जाता है अनलॉक हुआ हुआ एक और नया सेगमेंट, और वो होता है बाइक्स वाला। यानी कि आप लोग फिर बाइक्स चूज़ कर सकते हो अपनी, और फिर गाड़ियों के साथ अपनी बाइक को दौड़ाओ और भाई लोगों को बता दो कि उनकी गाड़ियों से ज़्यादा आपकी बाइक में दम है। बाकी गेम का साइज यहाँ पे कुछ 2GB चला जाता है सारे के सारे कंटेंट डाउनलोड करके। गेम ऑनलाइन भी आप लोग खेल सकते हो, ऑफलाइन भी खेल सकते हो, लेकिन डेफिनेटली मजे का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो गाइस बात की जाए इसके सेकंड लास्ट एंड 9th नंबर के गेम की, तो हमारे पास है एक्सट्रीम मोटर बाइक। अब ये निकल के आते हैं दोस्तों एक और ओपन वर्ल्ड बाइक ड्राइविंग वाला गेम, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी अमेजिंग बाइक्स तो देखने को मिलती हैं, और ये मुझे कहना चाहिए कि वन ऑफ द बेस्ट बाइक रेसिंग, जहाँ आप लोग कह सकते हो ओपन वर्ल्ड बाइक सिमुलेशन वाला गेम है, जो कि आप लोग को ऑफिशियली प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिलता है। गेम के ग्राफिक्स तो आप लोग देख ही सकते हो कैसे रहने वाले हैं। बाकी गेम के अंदर आप लोग भाई डिफरेंट बाइक्स चूज कर सकते हो, 5 आप लोग को डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जिनमें से आप लोग कोई भी अपना ड्राइवर चूज कर सकते हो, यानी अपना राइडर चूज कर सकते हो, आप लोग कह सकते हो अपना अवतार चूज कर सकते हो, और भाई उसी के साथ अपनी बाइक को लेकर निकल सकते हो। गेम का साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि 320 MB का आप लोगों को टोटली गेम देखने को मिलेगा, और गेम पूरे तरीके से ऑफलाइन रहने वाला है। तो गाइस अब बात की जाए इसके लास्ट एंड नंबर 10 गेम की, तो हमारे पास है लाइफ आफ्टर। अब आप लोग यहाँ पे भी ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एक सर्वाइवल गेम है, इसमें बाइक कहाँ से आ गई। तो अगर आप लोगों ने लाइफ आफ्टर बिल्कुल थोड़ा सा ही खेला है तो आप लोगों को वाकई बाइक नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप लोग थोड़ा सा लाइफ आफ्टर को खेलते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि अगर आप लोग डिफरेंट लेवल्स पे पहुंचते हो तो आप लोगों को बाइक्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। यानी कि आप लोग बाइक के पार्ट्स असेंबल करोगे, अपने लिए एक बाइक बनाओगे, और फिर उसको लेकर कहीं पर भी आप लोग निकल सकते हो, ओपन वर्ल्ड में फ्री रोम कर सकते हो, और जो करना चाहे कर सकते हो। आप लोग उस पर बैठ के मिशन भी कर सकते हो, या फिर भाई फालतू में यहाँ वहाँ भी जा सकते हो। बाकी गेम का साइज यहाँ पे है 2.8 GB, लेकिन कुछ कंटेंट डाउनलोड करने के बाद इसका साइज बढ़ता ही चला जाता है, और आप लोगों की डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका साइज क्या रहने वाला है। बाकी गेम पूरे तरीके से ऑनलाइन है। तो दोस्तों बस ये थे सारे गेम जो कि आज की स्टूडियो में आप लोगों को बताए थे। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और गेम भी सारे पसंद आ गए होंगे। जो भी गेम आप लोगों को पसंद आया लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप लोग डेफिनेटली जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जाने से पहले याद करा दूँ कि मेरे दूसरे दोनों चैनल की गेमरिज्म और बिल गेमर को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पे वीडियोस देखो। और मैं हूँ रबील, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखो अपना ख्याल, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, यानी गुड बाय।